नमस्कार दोस्तों, आप हनुमान जी को माने या ना माने, लेकिन हनुमान जी आज भी अमर हैं और अपने अनेक चमत्कारों से भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। भले ही हमें ईश्वर के आकार प्रकार के बारे में पता ना हो, पर ईश्वर की शक्ति का साक्षात चमत्कार भी कई बार सामने आता रहता है, जिसके कारण ही करोड़ों लोगों की आशाएं एक मूर्ति के सामने आकर टिक जाती है। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर जिले से सामने आया, जहां हनुमान मंदिर को हटाने गए ठेकेदारों और उसके नुमाइंदों को हनुमान जी की शक्ति का एहसास हो गया, जिसके बाद लोगों की हनुमान जी के प्रति आस्था और बढ़ गई। यूपी शाहजहांपुर में 130 साल पुराने मंदिर में एक अनोखा चमत्कार देखने को मिला, जहां प्रशासन ने अनेक मंदिर और मूर्ति को सड़क चौड़ी करने के लिए हटाने वहां पहुंची थी। पूरे लाव लश्कर से लदे अधिकारियों और जेसीबी मशीन को उस वक्त वापस लौटना पड़ा जब हनुमान जी की मूर्ति उखाड़ने से पहले ही मशीन खराब हो गई। इसके बाद अधिकारियों ने दूसरी मशीन मंगाई, लेकिन दोस्तों दूसरी जेसीबी मशीन अभी मूर्ति के पास की दीवार तोड़ ही रही थी कि उसकी चैन टूट गई। अधिकारियों ने जब यह देखा कि दूसरी जेसीबी मशीन भी खराब हो चुकी है, तो अब उनका माथा ठनका, लेकिन अधिकारियों ने प्रयास जारी रखे। इसके बाद उन्होंने बड़ी और ज्यादा ताकत वाली क्रेन मशीन मंगवाई। अधिकारियों और मजदूरों ने हनुमान जी की मूर्ति को बांधकर हटाने की कोशिश आरंभ कर दी। तभी दोस्तों एक चमत्कार होता है, तीसरी मशीन के भी सभी पट्टे टूट जाते हैं, जिसके बाद सभी अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनको हनुमान जी की ताकत का आंकलन हो गया था। मंदिर से बजरंग बली की मूर्ति हटाने में कड़कड़ाती ठंड में पसीने छूट गए। दोस्तों सभी को ऐसे लगने लगा कि वहां कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो इस हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने से रोक रही है, और दोस्तों वो कोई और नहीं साक्षात हनुमान जी ही थे। बताया जाता है कि हनुमान जी का ये मंदिर 130 साल पुराना है, जिसे लोग संकट मोचन हनुमान जी के नाम से जानते हैं। मंदिर शाहजहांपुर के कचियानी खेड़ा मंदिर इलाके का है, जहां रोड चौड़ीकरण के चलते एरा कंपनी मंदिर को हटाना चाहती थी। बकायदा प्रशासन ने मंदिर को हटाने के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए थे, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी हजारों कुंटल सामान हटाने वाली जेसीबी मशीन को लेकर हनुमान जी की मूर्ति हटाने पहुंचे, तो तीन दिनों में तीनों ही मशीन खराब हो गई, लेकिन बजरंग बली की प्रतिमा को वे हिला भी नहीं सके। मंदिर से मूर्ति को हटाने की जिद में अड़े अधिकारियों के तो हाथ पांव ही फूल गए, जब उन्होंने देखा कि उनकी तीनों मशीन ही खराब हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन ने मूर्ति को तोड़ने का निर्णय दूसरे तरीके से लिया, और प्रतिमा को तोड़ने के लिए जनरेटर और वाइब्रेट मशीन को लाया गया। दोस्तों इस बार प्रशासन ज्यादा तैयारी के साथ पहुंचा था, लेकिन हनुमान जी के चमत्कार के आगे प्रशासन फिर से एक बार विफल हो जाता है, क्योंकि मूर्ति तोड़ने के लिए लाया गया जनरेटर और वाइब्रेट मशीन भी मौके पर ही खराब हो जाती है। दोस्तों अब इसे कोई चमत्कार कहे या उस अनोखी देवी शक्ति का एहसास होना कहे, वह जो कुछ भी था, इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद तो यही लगता है कि वह कोई ईश्वरी ही शक्ति थी, वह साक्षात हनुमान जी की शक्ति थी। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।